इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फाइबर की गिग पर मेटा डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या फायदा होता है फाइबर की गिग के मेटा डेटा का और क्या इसका नुकसान होता है। मेटा डेटा जो है फाइबर का वो कैटेगरी के लिहाज से तब्दील हो जाता है और टाइटल के लिहाज से भी तब्दील हो जाता है, तो आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं और इसका आपकी गिग में क्या फायदा होता है और आप सही से मेटा डेटा कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका टाइटल और आपकी गिग की कैटेगरी। तो चले चलते हैं फाइबर की अपनी गिग पर और सिलेक्ट करते और ऐड करते हैं अपना मेटा डेटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है हमारी गिग। अब हमने इसका टाइटल लिख लिया, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हमने लिखनी है इसका मेटा डेटा। तो मेटा डेटा के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो है टाइटल। यहाँ पर आप गौर से समझिए, क्योंकि जो टाइटल होता है ना उससे रिलेटेड ही आपका मेटा डेटा आता है, उससे रिलेटेड ही आपकी कैटेगरी आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टाइटल है डाटा एंट्री के हवाले से, तो इसको देखने से आपको समझ लग जाएगी कि हमारी गिग का मेटा डेटा भी क्या होगा, डाटा एंट्री से रिलेटेड होगा। तो जैसे हम मेटा डेटा में चलते हैं, सर्विस टाइप हमने कॉपी पेस्ट चूज की और यहाँ पर आ गए हैं गिग मेटा डेटा। तो गिग मेटा डेटा में क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्री है और दूसरा है टूल्स। ये दोनों किससे रिलेटेड है, डाटा एंट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि चूज करें कि कौन कौन से टूल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब मान लें कि आपकी जो है ना गिग की कैटेगरी लोगो डिजाइन के हवाले से या वर्डप्रेस के हवाले से, तो फिर आपका ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अभी यहाँ पर अगर हम टाइटल को चेंज करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि मेटा डेटा कैसे हमारा चेंज होता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने फॉर एग्जांपल वैसी टाइटल लिखा, आई विल डू लोगो डिजाइन, मतलब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड गिग बनानी है, तो मैंने टाइटल लिखा है। तो इससे रिलेटेड देखें हमें क्या कह रहा है, सजेस्टेड कैटेगरी, मतलब कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग। अब देखिएगा, मैं ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, तो देखा आपने हमारा गिग का मेटा डाटा कैसे चेंज हो गया। अब आ गया है, हमें कह रहा है लोगो हम 3D कर देते हैं, लोगो टाइप में हम करते हैं मोनोग्राम और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में हम कर देते हैं AI या JPG। तो देखा आपने, इस तरीके से आपका मेटा डेटा डिपेंड होता है सिर्फ और सिर्फ आपके टाइटल पर और उसके टाइटल के साथ ही आपकी कैटेगरी पर। आपने सही कैटेगरी कैसे ढूंढनी है, जैसे आप फाइबर पर जाएंगे कोई भी गिग देखेंगे तो गिग के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हर चीज लिखी हुई होती है। जैसा कि ये वाली एक गिग है, आई विल बिल्ड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अगर आपने इससे रिलेटेड मेटा डेटा ढूंढना है, आपको कैसे पता चलेगा इसकी कैटेगरी, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्राफिक डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन, तो ये इसकी होती है कैटेगरी। अगर हम इसी वाले टाइटल को उठा करके अपने यहाँ पर डालें ना, तो आप देखिएगा कि वही कैटेगरी ढूंढ कर लाएगा। कैसे पता चलेगा इसका मेटा डेटा क्या है, हम सबसे नीचे जाएंगे, ये देखें वेबसाइट टाइप क्या है, ई कॉमर्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर हमने इसके टाइटल को करना है कॉपी और अपने यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर के पेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा हो गए तो हम कर दें, हाँ ये देखा देखा अपने प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये तीन कैटेगरी हमें सजेस्ट कर रहा है। तो हम इसकी देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन और फिर वेबसाइट डिज़ाइन, तो हम यहाँ पर चलते हैं, ये देखा आपने ग्राफिक डिज़ाइन और फिर वेबसाइट डिज़ाइन ये हमने सेलेक्ट किया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना, हम देखते हैं कि इसने कौन सी मेटा डेटा चूज़ किया, इसने मेटा डेटा चूज़ किया वेबसाइट टाइप में ई कॉमर्स ब्लॉग और पोर्टफोलियो, तो हम भी यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट टाइप में ई कॉमर्स एंड ब्लॉग और पोर्टफोलियो, ठीक है। देखा आपने ये तीनों सेलेक्ट कर लिए और आगे इसने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, वर्डप्रेस विक्स एंड एलिमेंटर, तो हम भी चलते हैं यहाँ पर, हम करते हैं वर्डप्रेस और यहाँ पर विक्स और यहाँ पर रहा हमारा एलिमेंटर, तो ये रहा हमारा एलिमेंटर। तो देखा आपने, हमने भी वही तीनों चूज कर ली और इसने भी वही तीनों चूज कर ली। तो इस तरीके से आपका जो भी गिग का टाइटल होगा उससे रिलेटेड कैटेगरी होगी, उससे रिलेटेड मेटा डेटा होगा और उससे रिलेटेड इसकी गिग की प्राइसिंग होगी, तो प्राइसिंग भी बहुत मैटर करती है। तो इस सारे वीडियो के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो है ना वो गिग की प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करें।